एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। पार्ट 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स की होल पावर 10। सोल्यूशन है पार्ट 1 का। इस क्वेश्चन में ए इक्वल है एक्स के, एक्स इक्वल है माइनस 2 बाई एक्स के, एन इक्वल है 10 के, आर हमने फाइंड आउट करना है। वी नो द जनरल टर्म फार्मूला इज़ टी सब्सक्रिप्ट में आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर। हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन क्या है 10 तो लिखेंगे इक्वल्स टू 10 आर। ए क्या है एक्स तो एक्स की पावर 10 माइनस आर। एक्स क्या है माइनस 2 बाई एक्स की पावर आर विच इज़ इक्वल टू 10 आर एक्स की पावर 10 माइनस आर। माइनस 2 की पावर आर ऊपर सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड में एक्स की पावर आर सेपरेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 10 आर एक्स की पावर 10 माइनस आर। ये जो नीचे डिवाइड में एक्स की पावर आर है ना, ये भी ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऊपर जाके माइनस में चेंज हो जाती है, तो माइनस आर साथ माइनस 2 की पावर आर विच इज़ इक्वल टू 10 आर एक्स की पावर 10 माइनस आर कितना हुआ माइनस 2 आर और माइनस 2 की पावर आर विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एग्जाम्पल एक्स पावर 0। सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एक्स वी हैव 10 माइनस 2 आर इक्वल्स टू 0, 10 इक्वल्स टू 2 आर, आर इक्वल आ जाएगा 5 के। पुट इन 1 तो टी आर यहाँ पे 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 5 एक्स की पावर 10 माइनस 2 5 माइनस 2 की पावर 5 टी 6 इक्वल आ जाएगा 10 कंपोजिशन 5 इक्वल होता है 252 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 10 माइनस 2 5 आर भी 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 की पावर 5 होती है माइनस 32 विच इज़ इक्वल टू 252 को माइनस 32 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 8064 एक्स की पावर 0 बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू माइनस 8064 क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आंसर क्या देती है 1। इक्वेटिंग इंडेक्स ऑफ एक्स टू 0 टू गेट एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमने इसको एक्स की पावर 0 क्यों रखा था ताकि हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ जाए एक्स का। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।